मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबको पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आप लोग जैसे कि इंतज़ार करते थे, वैसे ही मैं भी आप लोग का इंतज़ार करता रहता हूं। और वो समय फिर आ गई मुलाकात का। जैसे हम लोग डेली प्रातः माफ कीजिए नाइट 9 बजे मिलते हैं, रात्रि 9 बजे मिलते हैं, वही टाइम आ गई। बस आप लोगों से इतना ही रहेगी रिक्वेस्ट, जितना जल्दी आप लोग एक बार जुड़ जाएं और अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कर लें एक बार, ताकि आपके मित्र और दोस्त भी गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़ें और इसका लाभ ले सकें। कहाँ हो, कहाँ भाग्यल बढ़ जा, जल्दी आवा जा बाबू, तब ओकरा बाद में जवन करे के हुई कैल जाए। समझ में आवता, वो तो डेली सब कोई के पता हो का करे के बोगे। ठीक बा, जितना जल्दी जुड़ो जुड़ो, जल्दी जुड़ो मुन्ना। और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की कहानी बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेगा, बात बनती रहेगी। डेली क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग का चलता रहेगा। बस एक बार मैं यही कहूँगा कि जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाएं और जुड़ करके और हम लोग आगे की अपनी कार्यवाही चालू करें और देखते हैं कितने विद्यार्थी आज आप लोग यहाँ पर आकर उपस्थिति करते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये बिलियन चैप्टर की लास्ट सेट ही होएगा। आज वाली 10 क्वेश्चन को ही मैं रखा हूँ इसमें, जिससे कि हम लोग इसको ख़त्म करके और एक नए चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे। सब चीज़ देखते हुए चलना है। तो अगला चैप्टर जो होएगा वो चैप्टर आपका होगा जो मुन्ना, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेसन थर्ड की बात करेंगे। लेसन थर्ड के बाद में हम लोग फोर्थ मारेंगे। फोर्थ के बाद में हम लोग देखेंगे क्या सी 5 या हम लोग 1 का टच करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चलते रहेंगे। सबको नमस्कार, गुड, यहाँ पे गुड इवनिंग भी कह सकते हैं, शुभरात्रि भी कह सकते हैं। और हम लोग चलते हैं, उसके बाद आगे कहानी बढ़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे जुड़ भी गए हैं और यहाँ पर आगे की ओर बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ, शायद आप लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं आप ही लोगों का। बस जितना जल्दी ही आप लोग का सेट का प्रारंभ करेंगे और जो भी विद्यार्थी आप लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं वो उसका PDF भी आपको डेली मैं टेलीग्राम पर छोड़ते जा रहा हूँ। उसका आप लोग नोट्स बनाएं या उसको क्या करते जाएंगे, एक फाइल में रख करके उसको याद करते चले जाइएगा। और इससे आप लोग को मैं बता दूंगा, ये जो एग्ज़ाम होने वाली उससे ही पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन सेटअप करती है बोर्ड और सर का कैसा क्वेश्चन मिल रहा है, ये सारी आपको प्रमाण मिल जाएगी। और यहाँ से च्वाइस आप लोग के और ज़बरदस्त बढ़ेगी, मेरे प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाला हूँ, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बात करें, मैंने किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये सब, जो आप लोगों को देखने से लग रहा होगा अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बट बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है मुन्ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे बिल्कुल एक विश्वास के साथ। हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसमें, आप लोगों को भी मैं इसी साथ में लेकर चल रहा हूँ, इसी के तहत लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग का प्रिपरेशन बेहतर हो सके। तो यहाँ से हम लोग सेट की प्रारंभ करने के लिए सोच रहे हैं बिल्कुल यहाँ से कि जी 100 100, बस इंतज़ार कर रहा हूँ 100 विद्यार्थी पूर जाएं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेहतर भी होएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी लेट आते हैं, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है कि मतलब सर थोड़ा वेट करने के लिए बात। तो बस 100 आप लोग पूरा दीजिए, बस उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और बातें बोलना चाहूँगा कि जो भी आप लोग यहाँ पर सेट का प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सेट को कन्फर्म अपने आप माइंड में रख करते जाओ दिन प्रतिदिन, क्योंकि तुम्हारे पास वाकई में टाइम नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थी। ठीक ना, देखो बाबू एक बात बोले, देखो मेहनत करने से कभी भागो मत, क्योंकि कभी मेहनत व्यर्थ नहीं गया है, अन व्यर्थ जाता है मुन्ना। ये मेहनत तुम्हारी आगे भी आने वाले भविष्य में ये एक क्या कह सकते हैं, अर्धांगनी का नाम सुना है, पत्नी, एक पत्नी की तरह क्या करेगा तुम्हारा ये क्या करेगा, यानी भूमिका निभाएगा। कहोगे सर कैसे, जो भी एग्जाम देने जाओगे तो ये साथ साथ तुम्हारा जाएगा, ठीक है, अर्ध अंग बन कर जाएगा।
समझ रहे हो। और नारी को पत्नी को क्यों कहा गया अर्धांगनी, यानी आधा अंग माना गया है। वैसे ही ये भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, जो ये स्टडी पीरियड जो होती है जो अभी आप कर रहे हो वो जानते हो ये यही चीज़ है, एकदम बिल्कुल अर्धांगनी की तरह है। तुम्हारे छाया यानी कहो ना, छाया जैसे जाती है वैसे ही छाया की तरह है। ये जैसे जैसे बढ़ोगे आगे की ओर बढ़ता जाएगा और तुम्हारी लाइफ को संवारते जाएगा, तब तक जब तक कि हम लोग की क्या होती है सैया नहीं उठ जाती, तब तक ये साथ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अब यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव, आज केवल मुन्ना 10 ऑब्जेक्टिव ही लेकर आया हूँ, केवल 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन रिपीटेशन कर रही है जिसके कारण आप लोग, हाँ एक बात और है कि कल हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और वो न्यूमेरिकल एग्जाम के दृष्टि से ही पढ़ाऊंगा, केवल एक घंटा वनली न्यूमेरिकल की बात करूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू एक घंटा न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, वो न्यूमेरिकल बिल्कुल एग्जाम के दृष्टि से होगी, हर टाइप का न्यूमेरिकल हर सूत्र पे कोशिश करूंगा धीरे धीरे करके संडे संडे बनवा दे। क्या कितने लोग न्यूमेरिकल से सहयोग, कितने लोग न्यूमेरिकल का सपोर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल चाहिए एग्जाम के दृष्टि से, अगर जितने विद्यार्थी अगर सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा थंबनेल आप लोग दे दो एक बार, आप लोगों को देख करके मैं आप लोगों के थोड़ी सपोर्टिंग में देख लूँ कितने सपोर्ट में हो न्यूमेरिकल के लिए, कितने लोग सपोर्टिंग में हो मुन्ना, ये भी मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, टेस्ट जी हाँ प्रदीप नरवाल जी, टेस्ट नहीं होगा कल, कुछ कारणवश मैंने नहीं कर पाया, बट छुट्टी जाने से पहले उम्मीद है कि आप लोग का टेस्ट मैं ले लूँ। ठीक है, परेशान होने की इसमें बात नहीं है, अपनी तैयारी करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन जरा लाया जाए, 100 पार करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना, क्वेश्चन ये रही, क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका ये रहा मुन्ना, जी हाँ बिल्कुल सपोर्ट में है हम। पहला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन आदर्श बिलियन है, ऑप्शन है ऑप्शन ए में जल प्लस HCl, ऑप्शन बी में एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, ऑप्शन डी में जल प्लस एथेनॉल और डी में नॉन ऑप्शन है। मुन्ना लॉक करो, देखते हैं कितने लोग कितने विद्यार्थी इसको टच करते हो। शाबाश बाबू, याद तो करत बड़ा जाहो, बहुत बढ़िया लगत बा, ऐसे ही याद करब जाना तो पता बा यहाँ यहाँ आके मारेगा खोपचा में, ऐसे समझ रहे हो, खोपचा का मतलब ना समझ रहे हो ना, यानी दिल पर आघात करेगा, चोट करेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और आगे की ओर लेकर चलेंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग की पहले क्वेश्चन का उत्तर मैं दे दूँ आप लोग का मुन्ना, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका लॉक करे हो जितने विद्यार्थियों ने बी, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर डाला, क्या आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो ये चेक करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी मेरे स्टडी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन लावा हो, दूसरा क्वेश्चन लावा बाबू लोग के, देवे के भोजन करावल जाओ, भूख लगल बउए लोग के भी। दूसरा क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, आ गया, कह रहे 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल यानी 1 मोल बिलियन का, कह रहे हिमांक नहीं मुन्ना, माफ करना परासरण दाब क्या होगा, हिमांक वर्ड यहां पे नहीं होगी, परासरण दाब होगी, क्या चीज, हिमांक परासरण नहीं, परासरण दाब, केवल ध्यान रखना कि परासरण दाब कितना होगा, याद रखना क्या होगा, परासरण दाब। हिमांक यहां पर जो है आपका बिल्कुल यहां पे थोड़ा टाइपिंग वाले गलत कर चुके हैं और ये नहीं होएगा, केवल परासरण दाब कितना होगा। तो क्या आप लोगों ने लॉक करा, आंसर लॉक करो, जब से मैं इस क्वेश्चन को हल कर दूंगा बहुत अच्छा, जी हाँ PDF मैं अवश्य डाल रहा हूँ टेलीग्राम पर जा रहा है PDF, तो इस क्वेश्चन को बिना हल किए कैसे सोल्व करेंगे मुन्ना, जरा हल कर देता हूँ। देखिए एक पढ़े हैं पाई बराबर सूत्र पढ़े होंगे CST, जहाँ S बराबर आएगा 0.0821 मुन्ना आता है, और देखिए एक बात, इस पर आधारित प्रश्न को, ये प्रसरण दाब से संबंधित क्वेश्चन है, प्रसरण दाब संबंधी जो नियम है वांटप का उस पर संबंधित है, तो
इस प्रश्नों को हल करने के लिए ये सांद्रता यानी मोलरता को सूचित करेगा, मोलरता दैट मीन्स कैपिटल एम को शो करेगा, और ये ताप है, ताप मतलब क्या चीज हमेशा होगा क्या केल्विन में होगा, ये पाई मतलब होता है परासरण दाब होता है, परासरण ये दाब है मुन्ना, ये परासरण दाब है। देखो तो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है, C बराबर दे चुका है 1 m, S बराबर हमें मालूम है ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू से ये इतना होता है मुन्ना, ठीक है, और इसका जो होता है टेम्परेचर टी टाप, ताप जो होता है वो क्या होता है, ताप जो है 27 डिग्री सेल्सियस, वो आप लोग चेंज कर लो तो टी बराबर हो जाएगी कितना 273 प्लस 27 डिग्री है ना सेल्सियस चेंज विल बी केल्विन, तो टी बराबर आ गया कितना आपका आ गया 300 केल्विन आ गया 300 केल्विन। अब हम सूत्र को अप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं, उसके बाद आप लोग दिखाता हूँ। पाई बराबर हो जाएगा सी एस टी, पाई बराबर हो गई मुन्ना 1 इंटू एस का मान आ जाएगा 0.0821 और टी का मान आ जाएगा 300, गुणा कर लो जरा तो पाई बराबर हो गई कितना, इस तीन से गुणा करो 1020, तीन से करोगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 24, अब करो कितना दशमलव 1 2 3 4 अंक करेक्ट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने मारा होगा 24.6 यानी 24.63 आ रहा है, लगभग इसको ले सकते हैं 24.6 ATM, इट इज़ द राइट आंसर मुन्ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्रिय विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल एक बार, इसको बिल्कुल समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। का मजा आया बाबू, क्या ये न्यूमेरिकल हार्ड थी, नहीं मुन्ना बस भयभीत करने वाला था, आप लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, इसका आंसर क्या था, बी, इसका आंसर क्या था मुन्ना, बी। अब बी क्या बात मैं लिख देता हूं सीधे, घबराने की बात क्या है, लो कोई भी हो ठीक है, क्या आंसर आप लोग को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट बातें करें आप लोगों से, क्वेश्चन आ गई मुन्ना, यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए ना, निम्न में से किसका हिमांक अवनमन न्यूनतम होगा मुन्ना, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, न्यूनतम पूछा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, अधिकतम नहीं न्यूनतम, जिसका आई का मान न्यूनतम होगा उसका न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर क्या लॉक करोगे, 3 का आंसर जो होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, कौन सा लॉक करो, नहीं 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 नहीं, जितने विद्यार्थियों ने डी लॉक करके रखा है बिल्कुल डी आंसर सही है, क्यों, क्योंकि देखो एन ए ओ एच की बात करते हैं, इसको तोड़ोगे तो एन ए प्लस और ओ एच माइनस, देखो इसमें कितना मोल, एक मोल है, कुछ नहीं तो एक मोल, तो ये कितना आई का मान हो गया, आई का मान बराबर 1 + 1 = 2। अब देखो फिर उसके बाद तोड़ते हो K2SO4 को तोड़ रहे हो, तो K प्लस में टूटेगा और SO4 माइनस 2 में टूटेगा, तो ये देखो इसकी संख्या क्या है, 2 है, 2 से गुणा करो तो इसका आई हो गया यहाँ से 2 मोल, अब प्लस कितना 1 मोल, बराबर कितना हो गई 3, आई का मान कितना मिल गया 3। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी देखिएगा, तो ऑप्शन सी में है, सीधे जोड़ो ना, देखो Al2OHK होल थ्राइस, तो 2 + 3 कितना होता है 5, सीधे जोड़ लो, आई का मान कितना हो गया 5, इसमें ये दोनों को जोगफल कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट डी में बात करें तो आप लोग यूरिया है मेरे ख्याल से, क्या है यूरिया, और यूरिया का कितना होएगा, यूरिया का 1 होता है आई का मान, यूरिया का जो होता है यूरिया का आई का मान कितना होता है, आई का मान 1। देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका है, सबको घेर देता हूँ चेक कर लो, इसका हो गया 5 हो गया, तो देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका, इसका, जिसका लोएस्ट वैल्यू उसका आई का मान सबसे कम होता, यानी मतलब जिसका आई का मान सबसे कम उसका हिमांक अवनमन भी सबसे कम होता। मुन्ना अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले ले बाबू, ले ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया से दशहरा मनावा जब बाबू, और वो दशहरा कैसे मनी पता बा ना, आए पूरा जबरदस्त एकदम पढ़ाई करके, समझ में आवता, क्योंकि बैकअप करे के बा ना पीछे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा आ गया,
कह रहे उच्चतम क्वथनांकी एजियोट्रोप्स मतलब कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा के लिए कौन सा सही है, ऋणात्मक विचलन के लिए कौन सा सही है। तो हमेशा सबका मान जो होता है वो जीरो से कम होता है, क्या होता है जीरो से कम होता है। तो क्या आंसर लॉक कर सकते हो, ऑप्शन ए में है डेल्टा भी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी है डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, और डी है डेल्टा भी मिक्स कह रहा है का लेस देन जीरो। क्या आंसर मार रखे हो मुन्ना? नहीं नहीं नहीं, इसका चार का आंसर जो होता है वो आपका डी होगा, क्योंकि ऋणात्मक विचलन के लिए बात करते हैं। सारा कंडीशन देख लें, ऋणात्मक विचलन की बात करें मुन्ना, विचलन की बात करें तो ऋणात्मक विचलन जो होता है वो करता है उच्चतम क्वथनांक की एजियोट्रोप से कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देख क्या होता है, डेल्टा भी मिक्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा जीरो के, मतलब जीरो से कम होगा, डेल्टा एच मिक्स भी जो होगा वो क्या होगा लेस देन होगा, और एक आता है क्या चीज आपका वहां पर बात करें तो ये देखिए, अगर मान लीजिए पी नॉट ए है तो ये जो होगा ये भी बात करें आपसे तो ये भी क्या होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए से क्या होगा लेसर होगा। ये सारी कंडीशन किसका है, ऋणात्मक विचलन। अगर ऐसे कर दोगे तो हो जाएगा फिर धनात्मक विचलन के लिए, क्लियर है, क्या हो जाएगा धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में इधरे खुला रहेगा, इधरे खुला रहेगा, इधरे, ऋणात्मक में क्या होगा उधर उधर खुला रहेगा, क्लियर हो गई होगी। तो डी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, देखते हैं मुन्ना क्या होता है, जरा ध्यान देना। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों से, बिल्कुल हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का इंतजार करते हैं आगे। ये स्क्रीन पे करें, निम्नलिखित में कौन अणु संघ के गुणधर्म है, ये मैं चेक कर रहा हूं आप लोगों का, आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। देखते हैं आंसर किसका आता है, फाइव नंबर क्वेश्चन का किसका आंसर आता है, देखते हैं, बात करते हैं। कुछ लोगों का फाइव का आंसर आ चुका, और ये आप लोग जो भी आंसर दे रहे हो लिख करके डी, राजनंदनी, उसके बाद चंचल, उससे पहले अभिषेक, उसके पास ये है नंद किशोर शाह जी, प्रीति कुमारी, हाँ वाह बिल्कुल, ये सब बिल्कुल सही है। दीक्षा आपका बिल्कुल पीछे यहाँ पर चलता रहेगा, इसी तरह से फोर का आंसर दी है नया, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल गलत, यहाँ पर जो विद्यार्थियों ने डी आंसर लॉक करके रखा है बिल्कुल सही है, सभी हैं। मैंने इस बात को जिक्र कर रखा था, क्या होगा सभी होगा इसमें। बाबू खाली रोटी चापे से ना हुई रे बबुआ, समझ में आता, जा तड़ा जा कस के सूज तड़ा जा बोरा में, तो ऐसे ना हुई, ठीक ना, बोरा में कसे से पहले यह दिमाग में रखे के पड़ी कि हेकरों के दिमाग में कसे के बउए, काहे कसे के बउए, तो एकरों से हमनी के काम बउए, का रिजल्ट ना आया ना तो बर्बाद हो जाए जी हमनी के, बात समझ में आता, तो बोरा में कम कसा जा हे झोरा में ज़्यादा कसा जा, बात समझ में आता ना, दिमाग ठीका ना जाए, ठीक बा। छठवा क्वेश्चन के यहाँ लेके आवा जा, ठीक बा, छठवा क्वेश्चन तुझे ना के सामने आ गई स्क्रीन पर, जरा देखो गौर करो। कह रहे कि एक घोल, अरे 2018 के प्रश्न है हो, 2018 में आयल है, ठीक ना, देखी है कि कह रहा है कि एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन ताप पर 0.0821 वायुमंडल, यानी मैंने एटीएम है, तो कह रहे इस घोल का सांद्रण क्या होगा, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, इसका तात्पर्य यह है कि देखते हैं क्या लॉक करते हो। यह 2018 में पूछी गई प्रश्न है मुन्ना, देखो इसको जरा पट से हल कर देता हूं, पाई बराबर दे रखा है तुम्हारा कितना 0.0821 एटीएम में है, उसके बाद क्या दिया टी बराबर सीधे दे रहा है 300 केल्विन दे रहा है, तो अब क्या होता है सूत्र क्या कहता है देख लिया जाए, पाई बराबर कहता है सी एस टी, और एस का वैल्यू कितना होता 0.0821, तो हम लोग को निकालना क्या सी, तो हम लोग करेंगे क्या सी बराबर पाई बटा में एस टी, कैसे यहाँ गुणा में बत्ती धरल भाग में वैल्यू रखो, सी बराबर हो गई पाई के मान कितना मुन्ना, पाई के मान रख ले कितना है, तो पाई का मान देख यहाँ पर है 0.8021 बटा में कितना एस टी का मान देखो, एस का वैल्यू यहाँ है 0.0821, बहुत आसान है, बहुत आसान मुन्ना, और यहाँ है ताप का मान इतना, ई ससुर गया कितना बार में 1 बार में, तो सी बराबर हम लोग का आ गया
सी बराबर क्या आ गया, जरा इधर भी हल करता हूँ, घबराना मत। सी बराबर आ गया 1/300। जब मुन्ना हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का आएगा 0.0033 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये कंसंट्रेशन है ना, तो एम में आएगा, मोल पर लीटर में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो आसानी से, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुन्ना ले लो स्क्रीनशॉट, इसको आप लोग बिल्कुल ले लो। ये आई हुई प्रश्न है मुन्ना, ये बात 100% बिलीव के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। चलो तो यहां से आप लोग क्या समझ में आ गई, बिल्कुल। अब इसका ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन क्या आ रही है, ऑप्शन तो यहां पर चेक किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, 6 का। चलिए अब यहां से हम लोग चलते बातें करते, क्या था, डी आंसर था। बहुत विद्यार्थियों ने इसमें डी लॉक करके रखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रियंका शुक्ला, रोने की बात नहीं है, टेस्ट कल नहीं है, बस इसके लिए फिर भी टेंशन नहीं, नेक्स्ट बार में होने वाली है, आप लोग परेशान ना होएं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, जरा ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, कह रहा है कि निम्न कर, निम्न 1.0 m जलीय बिलियनों में से किसका क्वथनांक में उन्नयन सर्वाधिक होगा, यानी कह रहा है कि मैक्सिमम कह रहा है क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा मुन्ना। तो आप लोग 7 का आंसर आप लोग जितना जल्दी क्विकली से दे दो, मैं देखता हूं कितने लोग बता पाते हो। जितने आयन, जिसमें जितना आयन अधिकतम होगा वही सबसे अधिक देगा, ये बात ध्यान रखेंगे, जिसमें आयन सबसे अधिक होगा वही देगा। जिन विद्यार्थियों ने डी लॉक करके रखा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आयन की संख्या कितना है, 5, एल्युमिनियम के 2 और SO4 के 3, दोनों जोड़ेंगे आई का मान हो जाएगा 5, सबसे अधिक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 7 का डी आंसर बिल्कुल सही विद्यार्थियों ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं, ओनली 10 क्वेश्चन है अब केवल आप लोग के लिए, सिर्फ बच गई कितना, और शेष 3 क्वेश्चन बच चुकी है आप लोगों के लिए। मेरे प्रिय विद्यार्थी, कल न्यूमेरिकल के लिए क्या तैयार हो, क्या कितनी जोश है आप लोग के पास, क्या न्यूमेरिकल के लिए तैयार होते, यदि हाँ का बिल्कुल यस मारो, खाली यस मारो। कल के लिए बात करते हैं, कल 9 से 10 एक घंटा न्यूमेरिकल चलाएंगे, यदि आप लोग के सपोर्ट मिली तो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत मायने रखता है एग्जाम के दृष्टि से बात करें एग्जाम में, और वो भी सब शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा न्यूमेरिकल को, छोटी छोटी न्यूमेरिकलों को बात किया जाएगा, वैसे जो एग्जाम हॉल में आएंगे। जी हाँ, जिक देखते हैं कितने लोगों को बिल्कुल न्यूमेरिकल के लिए जोश है, ये बातें करते हैं, देखते हैं हम, ठीक है। अब यहां बात करेंगे क्या चीज मुन्ना, 8वीं क्वेश्चन आ चुकी है, फिर ये 2021 का आया हुआ प्रश्न है, 2021 का पेपर उठाए और ये प्रश्न मिलेगा। कह रहा है 0.0 m, 0.01 m, 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में क्या होगा, 7 का आंसर, 7 का आंसर कितना था, हो ये था ऑप्शन, चला देखा तो क्वेश्चन, बच्चा कोई रिप्लाई दिया है, सात का आंसर डायरेक्टली यहाँ दर्ज, जानो ना यार काहे परेशान हो गया, हल किए तो सोल्यूशन आप लोगों को दिखाया था ना, सोल्यूशन जानो, काहे परेशान हो गया, इतना मिला उसमें से ऑप्शन, ये था ना, मिला वो ऑप्शन कौन है, देखो न्यूमेरिकल कौन सी थी, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 7 का आंसर क्या करे, 7 का आंसर डी नहीं होगा इसमें, क्या माफ कीजिएगा, बी आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है, सही बात है, जिसमें आयन अधिकतम होगा वही होएगा, जिसमें आयन अधिकतम होगा, मिस्टेक से मैंने लिख दिया मुन्ना, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि देखिए क्या है, Al2SO4 के होल थ्राइस था तो आयन कितनी हो गई, आई का मान, जब आई का मान मुन्ना 5 तो ऑप्शन नंबर बी था, मैंने ये कहा कि जिसकी आयन सबसे अधिकतम होगी वही होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं, 8वां क्वेश्चन में क्या होगा, जरा आप लोग लॉक कर सकते हैं क्या, तो देखिए मुन्ना यहां ग्लूकोज बिलियन जो है उसका 1 होगा, और यहां देखो कैल्शियम मैग्नीशियम, ग्लूकोज का कितना आई का मान होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, 1 होता है, और यहां देखो मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम लोग तोड़ते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लोग तोड़ते हैं तो जरा गौर कर क्या होएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड को तोड़ेगा तो होएगा Mg2+ अब्ली क्या होगा Cl- में 2, देखो यहां 2 मोल मिला, यहां कितना मिला 1 मोल मिला, आई का मान कितना हो गया, टोटल मिला के 3 हो गया, अब देखो कितना गुना हुआ, देख ले
तीन गुना नहीं हो गया? तो इसका आंसर आपका क्या होगा मुन्ना, देख लो कौन सी आंसर आ रही है, सी, डी का आंसर क्या है, सी, तीन गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं। यहां देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बाबू थोड़ा सा आप लोग प्रश्न लेट पहुंच रहे इसलिए परेशान नहीं होनी है, बस आप लोग बस लगे रहे इसके साथ। देखते हैं अनादर्श बिलियन के लिए क्वेश्चन आ गया, अनादर्श बिलियन के लिए रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के लिए कौन सही है, सारी कंडीशन बताया हूं अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में मैंने डील कर रखा है, अगर नहीं आंसर माना तो ये तुम लोग की दुर्बलता होगी। जितना जल्दी आप लोग बिल्कुल आठ का जिन विद्यार्थियों ने दिया बिल्कुल आंसर सही है। अब नौवें क्वेश्चन का आंसर आप लोग के साथ आनी चाहिए, जरा चेक कर लेता हूं कितने लोगों ने नौ का आंसर लॉक करा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिन विद्यार्थियों ने डी लॉक करा बहुत बढ़िया है, नौ का आंसर डी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सारा कंडीशन बताया कि उसका जैसे डेल्टा भी मिक्स जो होगी मुन्ना भी मिक्स वो आएगा क्या जीरो से बड़ा होगा, डेल्टा क्या होगा एच मिक्स जो होगा वो भी क्या होता है एच मिक्स जो होता है वो जीरो से बड़ा, और इसका वेपर प्रेशर पीए की बात करता हूं ये भी बड़ा होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए से होता है बड़ा, यानी सारी कंडीशन इसमें लागू रही टोटली के टोटली सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑल ऑप्शन में क्या मिल रहा है नौ का डी आंसर राइट, जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा। एंड द लास्ट क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को क्या होता है देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मुन्ना देखते हैं। बस लगे रहिए, जी हां बता देंगे, निम्न में से कौन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, मैंने एक ट्रिक दिया था आप लोग को याद होगा मैंने एक ट्रिक दिया था मुन्ना, दस का डी लास्ट क्वेश्चन दस का डी बिल्कुल सही हमारे आंसर। क्यों? मैंने कहा था कि जिसके साथ एल्कोहल आ गया वो क्या होगा धनात्मक विचलन देगा, और जिसके साथ अम्ल आ गया वो ऋणात्मक विचलन देगा, ये बात को ध्यान रखना होगा। जिसके साथ कोई भी एल्कोहल आती इथनॉल या मेथनॉल आती है धनात्मक विचलन देगा, और जिसके साथ अम्ल आता है मैक्सिमम कंडीशंस में वो क्या करते हैं ऋणात्मक विचलन देते हैं। जिन विद्यार्थियों ने लॉक करके रखा है क्या चीज, जिन विद्यार्थियों ने लॉक करके रखा दस का आंसर क्या चीज, डी इज राइट आंसर मुन्ना। आज के बाद ये रही, अब आप लोग क्लास के लिए बात कर रखे हो, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत लेट कर दिए आप लोगों ने, और टाइम से आप लोग को जुड़े आप लोग जुटे जितने भी विद्यार्थी को बोल रहा हूँ वो जुड़े, आज का लास्ट ये था। लेकिन एक बात सुन लें, कल की क्लास की टाइमिंग जो है 6 से 8 है, 8 से 10 है, और शाम 4 से 6 है। ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ बात ध्यान में रखेंगे ठीक है। और फिर रात्रि 9 बजे भूलना मत, क्योंकि प्रमोद सर लेकर आए हैं न्यूमेरिकल की क्लास, और न्यूमेरिकल वैसे बनवाएंगे जो एग्जाम हॉल में आप लोगों के काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। और इसी तरह से लगे रहो मेरे साथ जुड़े रहें, और उसके बाद देखिए क्या होता है। अरे ये नहीं यार, आप लोग की ये जो टेस्ट होगी ना कॉलेज में अपनी टेस्ट होगी, टेस्ट से ही आप लोगों को पता चल जाएगी क्या क्वेश्चन में जान था या नहीं था। क्यों घबरा रहे हो ये बातें ठीक है, क्यों पड़े हो दूसरे के चक्कर में यार, जब प्रमोद सर तुम्हारे साथ है तो चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी का क्या कौन बोलता है उससे मतलब नहीं है। अरे जुड़ कर मारो सेटे, समझ में आ गया, शायद ये भविष्य के लिए काम आएगा, ये पूरी उम्मीद के साथ बोलता हूं। चलो अब यहां से मैं क्या करूंगा मुन्ना, सबसे विदा लेना चाहूंगा, और फिर कल अपने टाइम पर मिलते हैं ठीक है। क्या चलिए, लाइक ठोकना और शेयर करना तो आप लोग के कर्तव्य बनती है, आप करो या ना करो कहने की कोई जरूरत नहीं है, जो आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी अपना प्रिय मुझे मानते होंगे तो अवश्य लाइक ठोकते होंगे, शेयर करते होंगे ट्विटर पे फेसबुक पे, अरे कहाँ कहें इंस्टाग्राम पे सब जगह करते होंगे, समझ गए ना। तो अब पिस्टाग्राम पे नहीं होता सब, अब होता कि नहीं जानते हम, क्योंकि लोल हैं उसके क्षेत्र में हम, समझ गए, लेकिन बोल दिए कहला कि जहाँ करना होगा करते रहना। चलते हैं, विदा लेते हैं, और कल फिर अपने टाइम पर
रात्रि 9 से 10 भूलना मत, कल की क्लास होगी महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक